किसानों व सामाजिक मुद्दों को लेकर कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में 30 अगस्त को सर्वखाप महापंचायत आयोजित होने जा रही है। आज कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में सर्व जातीय कंडेला खाप के जन कल्याण मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं किसान नेता चौधरी टेकराम कंडेला ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि किसानों व सामाजिक मुद्दों को लेकर 30 अगस्त को कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में सर्व खाप प्रतिनिधि व जन कल्याण मंच के पदाधिकारी व किसान संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों की एक महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में फसलों पर MSP का गारंटी कानून, हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करवाने, प्राकृतिक व मोटी खेती को बढ़ावा देने, भारी बरसात के कारण खराब हुई फसलों को मुआवजा दिलवाने, 36 बिरादरियों के भाईचारे को मजबूत करने, युवाओं को नशे से दूर रखने जैसे कई अहम मुद्दों को लेकर प्रस्ताव पास किए जाएंगे। टेकराम कंडेला ने कहा कि आज किसानों की आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, केंद्र सरकार को चाहिए कि किसानों को लाभकारी भाव मिले। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में नैतिकता गिरती जा रही है, राजनीतिक स्तर भी गिरता जा रहा है। देश में ईमानदार व जमीन से जुड़े व्यक्ति व सामाजिक मुद्दों से जुड़े हुए हर व्यक्ति को आगे आकर देश के प्रति अपनी भावना दिखानी चाहिए। उन्होंने नूह में घटी घटना पर भी गहरा रोष प्रकट करते हुए कहा कि यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, इसमें दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष व्यक्तियों को किसी भी कीमत में फंसाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 36 बिरादरी का भाईचारा बरकरार रहना चाहिए। इस मौके पर उनके साथ पंचायती राज प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीरा डालमवाला, जन कल्याण मंच के प्रदेश प्रभारी सुभाष बरसीकड़ी, हरियाणा जन कल्याण मंच के उप प्रधान अभयराम कंडेला, किसान यूनियन के जिला प्रधान अजमेर डालमवाला, कुरुक्षेत्र जन कल्याण मंच के प्रधान किशनलाल डांडा, मोहित देशवाल, रामकिशन रेडू आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हमारे सरोखाप और जन कल्याण मंच और किसान संगठन के तीनों संगठनों के पदाधिकारियों ने यहाँ कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में सबसे पहले तो जो ताज़ा घटना जो नूम हुई है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसमें जितने भी दोषी हैं उनको पूरी पूरी सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए और 36 बिरादरी का भाईचारा बनाए रखना और आप अमन शांति रखने के लिए सरोखा पंचायतें पहले और शुरू से ही ये चाहती कि हरियाणा में देश में सर्व सुख शांति रहे और अमन शांति रहे। और इसको लेकर हमने आज ये जो पांच चार मुद्दे हैं जो हमारे जो पिछले दिनों से काफ़ी दिन से चले हुए हैं, ये जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, एक गांव में एक गोत्र में शादी पर रोक लगाने के लिए, MSP पर गारंटी कानून बनाने के लिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने के लिए, प्राकृतिक खेती और मोटी खेती को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं में फैल रहे नशे को रोकने के लिए, इसके लिए हमने तीनों संगठनों ने मिलकर 30 अगस्त को यहाँ कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है। इसमें हम वहाँ पर प्रस्ताव पास करके जो भी पंचायत कार्रवाई करेगी उसका भी हम फैसला लेंगे। यशपाल मलिक के मसले पर क्या कहना होगा? नहीं, यशपाल मलिक ने पिछले दिनों पीछे जो आया था, यशपाल मलिक हो जाए राजकुमार सैनी हो, उन्होंने तो भाईचारा बिगाड़ा है। हम तो ये चाहते हैं भाई 36 बिरादरी का सरोखाप पंचायत वह हमारे जो उत्तरी भारत में है वह भाईचारा बने रहे, क्योंकि जो ये आरक्षण वगैरह है ये अपने अपने उसका सबका हक बनता है, सब अपना अपना, लेकिन भाईचारा ना बिगाड़ो। सभी जातियों का अपना अपना हक है, जितना भी जो आरक्षण है, जिस तरह जाट आरक्षण है केंद्र में 27% उनका हक है, उन्हें मिलना भी चाहिए, लेकिन आपस में भाईचारा नहीं बिगड़ना चाहिए। इसलिए एक सरोखाप की पंचायत जो बुलाते हैं वो ही करते हैं। यशपाल मलिक को बुलाया गया था पूरे समाज में साथ और सच्चाई सामने आ गई है क्या? नहीं, सच्चाई तो सामने आई। यशपाल मलिक का तो भाईचारा बिगाड़ना और राजकुमार सैनी दोनों हम तो इस बात का मानते हैं कि वे दोनों ने हमारा भाईचारा को बिगाड़ा है और हमें किसी का प्रकार का किसी के साथ वो नहीं, हमारा हमें चाहते आरक्षण। राजकुमार सैनी चुनाव लड़ेंगे आगे, चुनाव लड़ना होने तो क्या रहेगा? देखो इसके बारे में तो हमें कुछ चुनाव के बारे में हम भी कुछ नहीं कह सकते, हम तो गैर राजनीतिक संगठन है। हम सुनो मेरी बात, हम तो ये है भाई हमारा जो समाज में अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है, जो भाईचारा मजबूत करते हैं, जो जमीन से जुड़े आदमी है, उनको आगे लोकसभा के भी विधानसभा की उनकी मदद भी करेंगे और उनको टिकट चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, ये तो देखो बात ये है, निष्पक्ष में जो जांच होगी इसमें जब कोई निर्दोष है तो उसको फंसना चाहिए, जो बिल्कुल उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई निर्दोष आदमी को कर फंसाया जाता है उसको के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए। नहीं, समान दुकानदार है, अपने भाईचारे से अपना रखो, हमें हम इस बात का कोई तराज नहीं, बस सामान बेचो, अपना भाईचारा बनाओ 36 बिरादरी का। हम शांति के पक्ष में हैं,
बस शांति खाप पंचायत शांति के पक्ष में है और शांति रहनी चाहिए। नहीं खाप पंचायतें तो देखो जहाँ उत्तरी भारत में खाप पंचायतें हैं, खाप पंचायत तो हमेशा अमन शांति और उसके लिए वो करती है प्रचार, और उसके लिए हमने पहले भी प्रेस नोट करके बयान जारी कर दिए थे और अब भी ये चाहती हैं प्रेस मुख्य से भाई खाप पंचायत अमन शांति रहे। देखो ये तो राजनीति वाले रोड़े हैं आपस में, भाई हिंदू है मुसलमान है वो है सभी सभी धर्म हमारे सब भाई हैं सब 36 बरादरी के, लेकिन ये जो घटना घटी है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको सजा मिलनी चाहिए। नहीं हमें अपील क्यों है, दोषियों को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, खाप पंचायतों ने भी ये कहा है, लेकिन खाप पंचायती किसी धर्म विशेष की बात, 36 बरादरी की खाप पंचायतें होती हैं और हम 36 बरादरी के लिए काम करते हैं और सभी धर्मों की होती है और सभी वर्गों की होती है, हम किसी के उसमें बखेड़े में नहीं पड़ना चाहते। खाप पंचायतें ये चाहती है शांति और अमन शांति रहे। देखो 30 अगस्त ने हम सबको निमंत्रण दें प्रमुख खाप पंचायतियों को, जन कल्याण मंच जो हमारा राष्ट्रीय सत्र पर जिसमें 15 स्टेटों के हमने गठन किया हुआ है देश में, और उनको भी बुलाएंगे और यहाँ हरियाणा के भी जितने भी पदाधिकारी उनको बुलाएंगे और जो हरियाणा के किसान संगठन से जुड़े मोटे मोटे जो नेता हैं उनको भी बुलाएंगे।